तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिना मोल्ड के आप घेवर घर पे कैसे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। तो सबसे पहले आपको एक मिक्सिंग जार में लेना है घी, और इसमें आइस क्यूब डाल देंगे। ग्राइंड होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, और इसे एक साइड करके आप इसमें से जितना पानी बचा है एक्स्ट्रा वो निकाल देंगे। अब इसमें जाएगा 1 कप मैदा और बेसन डालेंगे थोड़ा सा, और फिर से इसे हमें ग्राइंड करना है। और ये कुछ इस तरीके क्रम्बली टेक्सचर आना चाहिए इसका, नहीं तो फिर ये अच्छे से नहीं बनेगा। तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। और ठंडा दूध डालेंगे इसमें थोड़ा सा, उसके बाद ठंडा पानी डालेंगे, और पानी हमें बैचेस में डालना है इसमें। ध्यान ये रखना है कि हमारा बैटर ज़्यादा पतला ना हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, सेम इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, तभी आपका घेवर अच्छा बनेगा और अच्छी जालियाँ आएंगी उसमें। तो ये रेडी हो चुका है बिल्कुल। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो फिर आप एक सॉस पैन लेना और उसमें तेल को अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद उसे लो टू मीडियम कर देना, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा करके हमें बैटर डालना है। ध्यान ये रखना है कि जैसे बैटर हम इसमें डालेंगे ना, तो वो एकदम से ऊपर आने लगेगा, और जब ये सारे बबल्स बैठ जाएंगे तब जाके हमें दूसरा बैच और डालना है। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमें इसमें 25 टाइम्स तो हमें इसमें बैटर को डालना पड़ेगा, और इसे सेट होने के लिए हमें टाइम देना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी वरना ये टूट जाएगा। अब इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे कि इसका सारा ऑयल निकल जाए, और फिर इस पर हम गरम गरम हमें चाशनी डालनी है, और एक तार की चाशनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। फिर इस पर हम डालेंगे रबड़ी, इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। ये रेडी हो चुका है, आप भी ज़रूर ट्राई करें।